सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक वाली की इबादत और उसकी तौहीद है अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ारियात के अंदर वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला वलिनलाबुदून के मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया नाजरीन ये जो तौहीद है यही हमारे दीन की बुनियाद है इसी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा इसी तौहीद के लिए अल्लाह तबारक वाली ने इस कायनात को पैदा किया इस तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएँ कि तौहीद वाला और तौहीद पर चलने वाला दुनिया में भी अमन और चैन पाता है और आखिरत में भी अमन और चैन से रहेगा अल्लाह ने फरमाया फरमायासरेम के अंदर अलीन आमन वलम यल बिसु ई ईमान कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया जुल्म से मुराद यानी शिरक जो ईमान लाए और उन्होंने शर्क नहीं किया यानी तौहीद पर कायम रहे यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है दुनिया में भी और आखरत में भी और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं नाजरीन तोहद का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है उसकी एक बहुत बड़ी हमत यह है कि जो इंसान तोहीद पर होता है जो रब की तोहीद का अकीदा रखता है अल्लाह रबालमीन उसको सुकून की दौलत से मालामाल कर देता है वो मशरकिन की तरह बेचैनी और डिप्रेशन और टेंशन का शिकार नहीं रहता तोहद उसके दिल को हमेशा पुरसकून रखती है अला अलबिक्रतमलूब सुनो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है तोहीद दिलों में सुकून पैदा करती है और शर्क दिलों में बेचैनी और इजतरा पैदा करता है नाजरीन जो इंसान पर होता है वो अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखता है वो किसी से हसद नहीं करता वो किसी से जरन नहीं रखता वो ये अकीदा रखता है कि मेरे हिस्से के मेरे मुकद्दर की रोज़ी मुझको मिल करके रहेगी आपने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकन आबदन्नास वरदबी माँ कसमल्ला का तकन अगन अननास अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाओ सबसे बड़े मालदार बन जाओगे जो इंसान पर होता है जो अल्लाह की तकदीर पर राज़ी होता है वो सबसे बड़ा मालदार होता है उसके पास दौलत कम भी हो, वसाइल कम भी हो, लेकिन उसका दिल सुकून से मालामाल होता है मोहतरम नाजरीन अल्लाह की तोीद का एक फ़ायदा ये भी है रब की तोहीद पर चलने वाला खलवत हो या जलवत हो पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो अल्लाह से डरता है उसे इस बात का एहसास होता है मेरा रब मुझे हर हाल में देख रहा है हज़रत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हुए अल्लाह की तोहद का बयान करते हुए कहते हैं या बुनै इन्हहा इन तक मिस हब्बिन ख़रदलिन फ़तकुनफी सखरतिन ओफ़ समावातीफ़िल अर्द ये अत भी हल्ला कि मेरे बच्चे अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी चाहे आसमानों में हो चाहे वह ज़मीन में हो अ उसको सामने ले आएगा रब की तोहद पर चलने वाला अपनी निगाहों की हिफाजत करता है क्योंकि तो उसे मालूम है याम ख़आन तउिन वमा तुफ सदूर अल्लाह वो है जो आँखों की चोरी को जानता है जो दिल के चुपे राज को जानता है रब की तोहद पर चलने वाला इस बात का एहसास रखता है कि कैराम कातबी उसकी एक एक एक्टिविटीज़ को एक उसकी एक एक हरकत को नकल कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल क़्यामत के दिन से हिसाब देना पड़ा है इसीलिए आप देखें कि बाहब कर राम से जब कोई गलत काम हुआ हजरत माई जसलमी रजी अल्लाह तैन से ज़ना का सदर हुआ प्यारे नबी की बारगाह में आकर के कहते यार रसुल्ला मुझे पाक कर दीजिए और उनको सज़ा दी जाती है रज़म किया जाता है इस सज़ा को दुनिया में खुद आकर अल्ला के अल्लाह के नबी के सामने ये जानने के बावजूद कि मुझे सज़ाए मौत दी जाएगी अपने गुनाह का आकर के अकरार करते हैं मेरे भाइयों ये इकरार गुनाह की कैफियत तोहद के नतीजे में पैदा होती है रब की तोहद पर चलने वाला वो जुल्म नहीं कर सकता वो किसी का हक़ नहीं मार सकता क्योंकि उसे मालूम है कि कल क़यामत के दिन हमें लोगों का हक़ देना पड़ेगा हमें लोगों का हक़ देना पड़ेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतुअनुकूक़ इला अहलिहा तुम ज़रूर लोगों का हक़ दे दिया करो वरना तुम्हें क़यामत के दिन देना पड़ेगा हत्ता युका श्शातिल जल्हा मिन शातिल करना यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बग़ैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो नाजरीन तौहीद के ये वो चंद समरात और फवाद हैं जो हमने पुरान हदीस में हम अक्सरियत खुद तोहिद से दूर है तोहेद के मफहम ना से नाशना है अल्लाह से दुआ रबालमीन हम सबको को की अहमियत और फजीलत को समझने की और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तोहिद पर कायम रहने की तोफ़ीक़त फरमाए आमीन व आखर दावाना अल्हदिल्ल रबालमीन असलकम् वर्क ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें इस नंबर पर कॉल करें